बहुत दिनों के बाद आज अपनी पोलो से हटने वाला कपड़ा, आई थिंक 5-6 दिन या हफ्ता तो हो गया है इसके ऊपर ना कवर लगा के रखा है, तो करते हैं इसको ओपन। इतना अच्छा लग रहा है ना बहुत दिनों के बाद पोलो चला के, तो हफ्ते बाद निकाल ली, जैसे ही कवर उतारा गाड़ी बिल्कुल साफ। जो कवर था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है यार, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो अगर आप लोगों ने भी लेना है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उनका मैंने, आप जाके परचेज कर सकते हो। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ गाड़ी, और गाड़ी का मतलब पेंट पुंट भी बचा सकती है सनरेज वगैरह से ना, तेज धूप होगी कुछ भी होगा, इनकेस अगर हम रैप कराते तो रैप भी ये बचा लेगी। बाकी जीजू वगैरह आ गया सामने से, आज जीजू मोनिका वगैरह गए हुए थे अबीरा को लेके घुमाने, कहते उसको घुमा के लाते हैं हम लोग। आज के ब्लॉग की थोड़ी सी बात करते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब मैं रोहतांग गया था उस टाइम पे ना मेरे को एक जगह दिखी थी, और मैंने आपको बोला ना मैं ट्राई करूंगा कि चाहे छोटी मोटी जगह ही हो लेकिन ऐसी जगह ले जाऊं जो कभी ना गए हो, मैं भी देखूं आप लोगों को भी अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाऊं। तो आज वही होने वाला है, रोहतांग से आते वक्त मैंने एक जगह देखी थी, अभी वहां पे मैं जा रहा हूं। मैं निकल रहा था लेकिन शौर्य का मेरे को ना सुबह फोन आया था, यार कहीं अगर जाओगे ना बोला घूमने तो प्लीज मेरे को भी लेके चलना। मैंने कहा ठीक है, फोन किया इसको, मैंने कहा चलना है तूने, कहते हाँ मैंने भी चलना है, मैंने कहा चल पड़। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्यूटीफुल बनाएंगे ब्लॉग को, ब्लॉग में तक बने रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, एंड अपना मुंडा भी आ गया, मुंडा मुंडा ब्राउन मुंडा। यार मनाली में ना ऊंट आ गया है, एक्चुअली मेला है यहाँ पे आज ना, कुलंग मेला है। ये जो गांव है पलचान से नेहरूगंज के बीच में जो ये वाला गांव आता है ना, इसको बोलते हैं कुलंग। तो आज है कुलंग मेला, सही बात है, मेरे फ्रेंड ने बुलाया था मेरे को यहाँ पे, चले मेले में पार्टी करके आए। कुलंग मेला है आज, लेकिन यार मैंने ऊंट पहली बार देखा ना, हाथी तो आते थे पहले मनाली में ऊंट, तो मैंने वही फर्स्ट टाइम ऐसे ऊंट देखा यहाँ पे। आज 17 अगस्त है और रोड पिछले कल बंद हो गया था अपना टनल वाला, धुंधी ब्रिज से पहले ना लैंडस्लाइड हो गई थी, तो अभी तो खुल गया। अच्छा अच्छा, सबको अलाउ कर रहे हैं, पहले तो लोग यहीं से जा रहे थे, है ना। तेरे भी गेस्ट भी थे रात को आ रहे थे, बट वहीं से स्टे करवाया, लेकिन ये अभी तो क्या बोलते खुल गया रास्ता, चाहे सब गाड़ियां जा रही है वहां से। टेम्परेरी वही है ना, टेम्परेरी बना देते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे है। गुलाबा जाने के लिए अब थोड़ा स्ट्रगल तो है, वो भी इस गाड़ी के साथ, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है ऊपर, और शौर वगैरह भी थोड़े दिन पहले ये लोग आए थे पोलो लेके, पोलो को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। टच भी गई तीन जगह टच हुई है, तो इसकी वाली जो पोलो है ना उसकी ग्राउंड क्लियरेंस मेरी वाली से ज्यादा है, क्योंकि इसके 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स है और मेरे 15 है, तो देखते अपनी वाली कितना स्ट्रगल करती है। यहाँ पे राइड करने का मजा आता है, जब ये वाली मतलब ये वाला एरिया आता है ट्रीज वाला, यहाँ पे राइड करने का बहुत मजा आता है। एंड इस टाइम इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है, एसी की कोई जरूरत नहीं है, आप बस खिड़की खोलो और ऐसा लग रहा है फ्रिज से जैसी है ना, फ्रिज वाली हवा सीधे बाहर से चली हुई है। ऑफ रोड लैंडस्लाइड हुई है पूरे में, यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। ये वाला पेड़ भी गिरने वाला है, देखो ना ये देखो जड़ निकल गई इसकी पूरी, सारे गिरने वाले। हाँ ये देखो जड़े निकल गई इनकी सबकी, कभी भी गिर सकते हैं। ऊपर से पानी भी आ रहा है, पेड़ के साथ साथ पानी भी आ रहा है। यार रोड के सच में बहुत बुरे हाल है, कहाँ मैं बचाने के चक्कर में था, दो जगह टच हो गई मेरी गाड़ी। एक जगह तो बहुत आराम से लगी, साइलेंसर बचा ठीक है, और लेकिन एक जगह तो फ्रंट में उतारा था, फर्स्ट में बिल्कुल आराम से टच हुई, आराम से टच हुई लेकिन हुई। लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। गाड़ी अपनी पार्क कर दी हमने यहीं पे, और ये बैरियर से पहले वाला टर्न है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा आगे को पैदल। और मैं यहाँ पे आपको क्यों लेके आया हुआ हूँ, मैं जब रोहतांग से एक बार आ रहा था फिर मैंने यहाँ पे नीचे ना एक वाटरफॉल देखा, बहुत सुंदर, जो रोड से ही आता है ना, जो नाला सा आता है वो नीचे वाटरफॉल गिरता है, तो आपको लेके चलते, मेरा बहुत मन था यहाँ जाने का। यहाँ पे KFC खाया हुआ है, KFC लाया है ठीक है, वहाँ बियर की बॉटल्स वगैरह, वहाँ चिप्स के रैपर, जूस की बॉटल वगैरह, ऐसी जगह पे आते हो यार, अब देखो आएंगे साफ सुथरा होता कितना ज्यादा अच्छा लगता है, एक गंद मचा के रखा हुआ है। भाई मैं तो कभी नहीं गया हूँ, शौर्य बोलता यहाँ से जाना है, मैं मेरे को भी नहीं पता, मेरे को ऐसा बोला हुआ था यहाँ से रास्ता है, ये रोड है ना रोड के साथ, ऐसा बोला तो था यहाँ से रास्ता, और बना हुआ है प्रॉपर रास्ता बना है यहाँ से जाने का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शूट करनी थी मेरे को यहाँ बैठ के, मैंने अभी की हुई है, जो पिछले कल आप लोगों ने देखी होगी ठीक है, तो बस वही बात है, पिछले कल की वीडियो में जो बात हुई उसको थोड़ा आप साइड रखे ना, अपने डेली व्लॉग में भी फोकस कर लेते हैं हल्का सा। ब्यूटीफुल है, और ये ऊपर रोहतांग, भाई रोहतांग ना मानसून के टाइम पे
बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। मॉनसून के टाइम पे माउंटेन से ना ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स बहुत आते हैं, जो बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है ना जो आपको दिखती है, वो इतने बड़े बड़े होते हैं, वाटरफॉल का फॉर्म ले लेते हैं, ऐसा रूप ले लेते हैं मॉनसून के टाइम पे, और ब्यूटीफुल हो जाते हैं बहुत। अभी चलते चलते आपको मैं रास्ते में भी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो मतलब शेफर्ड्स, बफेलो वालों को क्या बोलते हो, गद्दी? नहीं, गद्दी तो शेफर्ड्स को बोलते हैं। यार बफेलो वालों को क्या बोलते होंगे यार, कुछ बोलते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि सेतन हम लोग जाते थे ना, वहाँ ऊपर होते थे वो, उनको बोलते थे गुज्जर। यस, अब याद है, गुज्जर बोलते थे उनको। हाँ, तो ये वही है, नीचे इनकी भैंस वगैरह बहुत सारी ना, यहाँ पे इन्होंने रहने के लिए बनाया हुआ है। सही है भाई, है दुनिया से जो ये सारी चीजें हो रही है ना, इनसे दूर एकदम, यहाँ पे आराम से, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं भाई, मजाक नहीं, बेस्ट लाइफ है। अब तो इतना कुछ होने लग गया हर जगह ना, मन तो ऐसा हो गया कि भाई दूर जाके कहीं पहाड़ में टॉप पे जाके बैठो, घर बनाओ छोटा सा, 6 महीने का राशन एक बार में भर दो वहाँ पे, और आराम से बैठे रहो वहाँ पे, ऐसा मन हो गया। अब तो यार पिछले कल ना स्क्वैट्स लगाई हुई है, लेग्स की एक्सरसाइज की है, पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हल्के हल्के रहती है, वो वाले क्रैम्प्स नहीं है जब जिम ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, वो क्रैम्प्स नहीं है, और हल्के हल्के तो रहती है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एंड वेदर बढ़िया है मनाली का, ये सही है भाई, स्कूटी ढक के रखी हुई है, और किसी गद्दी गुद्दी के, अच्छा मेरे को लग रहा है शायद से, पता क्या है, ये जो नीचे रह रहे हैं ना उनकी होगी पक्का है, तभी ढक्के रखे हैं यहाँ पे। तांग को जाते हुए सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम चला है, रोड का काम चला है, बीआरओ कर रही है जोरों शोरों से रोड का काम, लेकिन हमारी पोलो के लिए यही डिफिकल्टी है। आज टास्क है अपनी पोलो का ना भाई, दो बार तो टच हो गए, अपनी चाहता में जाते वक्त हो टच, यार दुख होता है। बीआरओ का ट्रक लगा हुआ आगे, सामान लोड कर रहे हैं, और यहाँ से निकालनी ना थोड़ा टास्क है, क्योंकि आते वक्त जो जोर से फ्रंट बजा था यही बजा था मेरा। बीआरओ का ट्रक करा है ऑफ रोडिंग, ये देखो बढ़िया। राइट को मैं रख नहीं सकता था गाड़ी, रास्ता टूटा हुआ है देखो पूरा। मैंने जिप्सी के शॉकर माउंटिंग से शॉकर निकल गया था, तो मेरे को टाइम नहीं लगा उतना उसको रिपेयर कराने का, इसलिए मैं निकाल नहीं पाया जिप्सी, अदरवाइज मैं जिप्सी लेके आता, सुमो को निकलने देते क्योंकि हमको लगेगा टाइम। भाई जी अभी ट्रक के अंदर जाते जाते बचे है, क्या रिएक्शन था यार मैं शूट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई क्या बताओ, मैं उस टाइम शूट करता कि क्या करता यार। हुआ पता क्या, हम लोग जो ऊपर से नीचे को आ रहे थे, जो एज वाला है ना कोठी वाला, वो ठीक है टर्न, वहां पहुंचे बिल्कुल एज टर्न है, नीचे से ट्रक आया लोडेड बिल्कुल फुल एक्सीलेटर में, क्योंकि उसके पास लोड था ठीक है, और ऐसा आया वो ना, मैं भी चला और मैंने पहले हॉर्न दे दिया, दो बार हॉर्न दिया था मैंने, पांव पर दो बार हॉर्न दिया, जैसे ही मोड़ पे मेरे को दिखा वो ना, मैं डेड ब्रेक नहीं मार सकता था, डेड ब्रेक मैं मारता गाइस पता क्या, कीचड़ लगा हुआ है इसमें टायर में, कीचड़ ही कीचड़ टायर में लगा हुआ, मेरे को पता था डेड ब्रेक मारूंगा गाड़ी स्लाइड हो जाएगी, मैंने क्या किया ब्रेक ब्रेक हल्की हल्की मार मार के ऐसे ऐसे सीधे लेफ्ट में डाली, लेकिन गाड़ी हमारी बजी नहीं, इतना गाइस इतना सा गैप क्या होता है भाई, बिल्कुल बाल का गैप था लगा, और मैं ऐसे देख रहा हूँ बाहर, और वो मेरे को बंदा बोलता वीरे क्या हॉली, वीरे हॉली, मैं कहा भाई मैं हॉली हूँ तभी नहीं बजे हम लोग, क्या बोलता मैं, और बाद में मैंने कहा मेरे को तू भी तो तेज चला हुआ है, कहता लोड है मेरे पास मैं क्या करूंगा का, मैं कहा बात भी सही, मैंने कुछ बोला ही नहीं फिर, प्यार से बोला उसने, तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन ये है कि भाई सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन तेरा क्या रिएक्शन था भाई, ब्रेक मारो ब्रेक मारो, उस टाइम नहीं बोला तूने क्योंकि एक सेकंड में हुआ सब कुछ, वो सेकंड्स में हुआ, एक या दो सेकंड में हुआ ये सब कुछ ना, लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद इसने बोला भाई मैं सोच रहा हूँ ब्रेक क्यों नहीं मारी आपने डेड ब्रेक, मैं डेड ब्रेक मारूंगा स्लाइड हो जाएगी,
बाकी ट्रैफिक में हम लोग फंस गए हैं। मैंने आपको बोला ना कुलंग में है मेला, मेला करके ही ट्रैफिक लगा हुआ है भाई। मॉनसून ना बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और इस टाइम पे ड्रोन शॉट्स जो आते हैं ना प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे ड्रोन शॉट्स आते हैं। आई थिंक हम लोगों को गाड़ी मोड़ के ना शनाग वाली साइड से निकलना चाहिए। गूगल मैप देखता हूँ, ट्रैफिक है बहुत लंबा लगा है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत देर से निकल ही नहीं रहे, हमको 10-15 मिनट हो गए यहीं पे फंसे हुए हम लोग ट्रैफिक में और गाड़ियाँ मुड़ रही है सारी। हम लोगों को पहले ही डालनी चाहिए थी गाड़ी उस साइड से यार, क्योंकि आज है मेला, कुलंग में मेला है आज, तो उसके करके ट्रैफिक लगा है सारा। या एक्चुअली नेशनल हाईवे, ट्रक्स चले, इतने सारे बसेस चली हुई है और साइड में भी गाड़ियाँ लगी हुई है बहुत सारी, तब लग रहा है थोड़ा ट्रैफिक। और तो क्या, गाड़ियाँ तो क्रॉस हो रही है इजीली, बस जब ट्रक वगैरह आ रहे हैं ना पीछे आया हुआ था तब लग रहा है ट्रैफिक थोड़ा। यार बड़ा टाइम लग गया क्रॉस करने में यार, अंधेरा भी होने लगा है, फंस गए। एक्चुअली साइड में गाड़ियां लगी हुई है और आगे से ट्रक्स वगैरह भी आ रहे हैं। गाड़ी पार्क कर दी मैंने ना, सामान निकालते हैं जल्दी से। और मेरे गांव में चला हुआ है म्यूजिक पार्टी शायद आज, यहाँ पे ऊपर कैफे की है ना, कभी कभी यहाँ पे पार्टी होती है। ऐसी बात नहीं है भाई, सिर्फ ओल्ड मनाली में लाइव म्यूजिक वगैरह पार्टीज वगैरह नहीं होती है, वशिष्ठ में भी होती है। आप यहाँ पे भी आ सकते हो अगर आपको लाइव म्यूजिक भी अच्छी होते हैं ना, यहाँ पे भी आ सकते हो आप लोग। बाकी काम करते हैं आज के व्लॉग को ना इस म्यूजिक के साथ ही बंद करते हैं, ठीक है, घर चलते हैं अभी, क्योंकि माइंड थोड़ा मेरा डिस्टर्ब सा है यार इस टाइम पे ना, ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं करूँगा, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग किया भी नहीं, क्योंकि जो पिछले कल व्लॉग आया था आपको आपको पता है उस चीज़ को लेकर ना मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है।